गुड मॉर्निंग दगड़ियो, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पैलाक। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह के बजने वाले हैं 10 और हम आज जा रहे हैं अपने नैनीहाल जो चखुटिया में है, और मैं, मम्मी और मेरे पतिदेव तीनों निकल पड़े हैं चखुटिया की तरफ। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको एक नए वीडियो के माध्यम से एक नई जगह। पतिदेव और मम्मी जी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मौसम की बात करें तो दोस्तों आज बहुत चटक धूप लगी है। कल तक कंटिन्यू यहाँ बारिश थी और आज चटक धूप आ गई है और काफ़ी गर्मी भी लग रही है। सुबह सुबह हम भी निकल पड़े हैं। अब तो दगड़ियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चौकुटिया। पहली बार मैं तो जा ही रहा हूँ। खैर, ये भी आज 10 सालों के बाद अपने नैनीहाल में प्रवेश करेगी। फिलहाल चलते हैं रोड में और फटाफट तीनों मम्मी जी और श्रीमती जी और मैं निकलते हैं फिर चौकुटिया की तरफ। वापस भी आना है हमने आज ही, वहाँ रुकने का ऐसा कोई प्लान नहीं है। दिन में लंच वगैरह करेंगे वहाँ पे, उसके बाद आ जाएंगे घर को। अच्छा यार दगड़ियों, ये म्यार मैं लाता हूँ यार, ब्लॉगिंग बड़े भयंकर आने ही नहीं देती है यार मेरे को। ब्लॉग में बोलती है तुमको कुछ आता ही नहीं है, तुमको कुछ वो ही नहीं है भयंकर। दगड़ियों, तुमको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और खैर, जब से श्रीमती जी आई हैं अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है भयंकर मेरे को कुछ आता ही नहीं है यार। दगड़ियों, तुमको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताना। पहुँचते हैं रोड में, फिर मिलते हैं, ठीक है। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ नया दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ आगे तक। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं उपलेख, ये गया है जूनागढ़ी को, ये वाली रोड गई और हम निकल गए द्वाराहाट की तरफ को। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं द्वाराहाट में और मम्मी भी आ गई है। इसको हमने गाड़ी में बिठा दिया था क्योंकि स्कूटी में 3 लोग नहीं आ पाते, आ तो जाते हैं लेकिन सेफ नहीं रहता है। और अब हम निकलते हैं चखुटिया वाली रोड में, मेन मार्केट में अभी चौराहे पर हैं। वो वाली रोड रानीखेत को जाती है, ये वाली योगदा आश्रम और वो नीचे वाली रानीखेत को। यहाँ से लेते हैं नानी के लिए मिठाई क्योंकि मैं जा रही हूँ शादी के बाद पहली बार, इसलिए उसके लिए मिठाई लेके जाना ज़रूरी है। हम पहुँच गए थे नानी के लिए मिठाई लेने इनकी दुकान में। हम जब भी मैं नैनीहाल को जाती थी यहीं से मम्मी मिठाई लेती थी, मुझे अभी भी ये दुकान याद है। तो बैराती गांव से हमने नीचे को कट ले लिया था क्योंकि ये रोड नई बनी है और अगर हम मेन रोड से जाते बस भीड़ा होते हुए तो वहां से हमको थोड़ा लंबा पड़ता, इसलिए हमने बैराती गांव से थोड़ा सा नीचे एक कट है वहां से नई रोड बनी है अभी। ये पता नहीं पहले बन गई होगी लेकिन अभी मैं यहां से पहली बार जा रही हूं। ये जो है मेरे नैनीहाल के घर तक ही जाती है, इसलिए हम यहां से चले गए। अब स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं, छुट्टी हो गई। तो इस साइड का मौसम थोड़ा गड़बड़ लग रही है मेरे को, ऊपर साइड को काले बादल दिख रहे हैं और अभी तक तो यहाँ चटक धूप ही आई है। आगे जाके देखते हैं क्या होता है। कौन कौन लोग हमारा वीडियो इस क्षेत्र से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे इस क्षेत्र में ज़्यादा गांव के नाम पता नहीं है, बस द्वाराहाट पता है, महाकालेश्वर पता है, फिर उसके बाद मेरा नैनीहाल, बजबीड़ा, छाना और फिर चखुटिया ही पता है। बीच में जो जो गांव पड़ते हैं, अगर आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। पहुँचे हैं महल चौरा गाँव में। गाँव तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं होगा ऊपर साइड को, लेकिन व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से। ये वाली रोड है जो द्वाराहाट तक नहीं मिली है अभी, इसलिए इस वाले रोड में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं। कोई जो लोकल के हैं वही जाते होंगे। फाइनली दोस्तों, जिस जगह का हमें इंतज़ार था वहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भाट, ज्वार, मंडुआ की खेती हो रखी है। लोगों की काफ़ी मेहनत दिख रही है यहाँ। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो गया है छाना गाँव। फाइनली पहुँच गए हैं मेन पॉइंट पर, यहाँ से जाएंगे ऊपर को। मम्मी भी पहुंच गई थी यहाँ पे, वो भैया नीचे से छोड़ने आए थे। और ये वाला रोड, मतलब ये वाला जो रास्ता है ये मेन रोड पे आता है जहाँ से हम पहले आते थे, और अभी हम यहाँ से ऊपर को जाएंगे। ये मेरा पूरा नैनीहाल है। अभी यहाँ ज़्यादा खेती वेती हो गई है, इसकी वजह से पूरा गांव अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी अपने छत में जाके। अब चलते हैं ऊपर की ओर, घर की ओर मतलब। दोस्तों मैं भी आज 10 साल के बाद आ रही हूँ
वैसे रास्ता तो मुझे अभी भी याद है, लेकिन बहुत कुछ यहाँ चेंज हो गया है। जैसे मकान हो गए, पहले जो दिखते थे वो वाले मकान अब नहीं दिख रहे हैं। मम्मी तो यहाँ आती रहती है, पिछली बार परसों भी आई थी वो। अब यहाँ नानी अकेली रहती है, मामा लोग जो हैं वो हल्द्वानी चले गए हैं और अब नानी अकेली रह गई है। ये है पूरा छाना गांव। पर यहाँ फल मतलब सब्जियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी हैं, जगह जगह देखने को दिख मिल रहे हैं। तुरई, लौकी, कद्दू, सांस ही फूल गई। अच्छा, मेन रोड से आते तो और ज़्यादा पड़ता दोस्तों हमें, क्योंकि हम शॉर्ट से आए हैं। तो दोस्तों पहुंच गई हूँ अपने नैनीहाल के घर में। नानी मेरा इंतज़ार कर रही है। पर कल ही वो आई थी दोस्तों घर से, मेरे शादी के बाद वो वहीं थी। और ये है मेरा नैनीहाल का घर, तो वो भी कल ही आई है यहाँ। उसे पता नहीं था कि हम उसको सरप्राइज़ देने वाले हैं। अरे तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं नैनीहाल। अब थोड़ा यहाँ खाना खाना खाते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ, अपने घर की तरफ। तो वो यहाँ मतलब मेरे शादी के बाद अभी आई है ना, मम्मी के शादी रही थी वो। पहले वो हल्द्वानी चली गई थी, अब वो बहुत दिनों के बाद आई है, इसलिए उसे लग रहा है कि क्या जो बोलेंगे। मेरी नानी ने हमारे लिए सुंदर सुंदर गिलास में पानी भी रखा है। बहुत अच्छा बना रखा है उसने, फिर भी वो जबकि अकेले रहती है। नानी ने हमारे लिए भात बना दिया था और मम्मी रख रही है दाल। तब तक मैं दिखाती हूँ आपको छत से पूरा व्यू। तो सबसे पहले जब मैं पहले छोटी सी थी तो मैं और मम्मी आते थे और यहीं सोते थे। ये है हमारा बरामदा, बालकनी कहते हैं जिसे। ये है एक रूम, यहाँ पर मेरे नाना जी की फ़ोटो लगी है जो अब नहीं है। कितने साल हो गए नाना जी को मरे? 5 साल हो गए नाना जी को मरे। और ये था नाना जी का रूम जहाँ नाना जी सोते थे, और ये अंदर था स्टोर रूम। अब यहाँ बल्ब नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा नानी का घर, यानी कि मेरा नैनीहाल, जरूर बताना। और ये है ऊपर वाला मिट्टी का कमरा है, और ये है हमारा मंदिर। फाइनली अब इनसे पूछती हूँ कैसा लगा आपको हमारा नैनीहाल, मस्त है हाँ? तो दोस्तों हमारे आते ही टीवी भी ख़राब हो जाती है, पता नहीं हम कहीं भी जाते हैं टीवी ख़राब हो जाती है। पता नहीं चल रही है, नई टीवी लगा दिए। तो दोस्तों बरामदे से जो व्यू आता है वो बहुत अच्छा आता है। सामने लगाए हैं नानी के यहाँ लगील लगा रखे हैं, लौकी, तुरई, कद्दू के, और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। ऊपर को है मंदिर एक मनसा देवी माता का, और वो सामने गांव जो दिख रहा है वो है बसभीड़ा गांव। फिर उसके नीचे को आ जाता है चकोटिया, 5-6 किलोमीटर के बाद। दोस्तों जो मेरी बुआ है, छोटी वाली बुआ, भगा बुआ जो दिल्ली में रहती है, उनका भी ससुराल है यहाँ पे। सगी बुआ है मेरी, तो क्या कहते हैं, उन्होंने ही मेरी मम्मी की शादी मतलब मम्मी और पापा की शादी की बात करवाई थी। अभी वो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने वही मकान बना लिया है और अब इस घर में कोई नहीं रहता है। काफ़ी बुरी स्थिति हो गई है घर में, जब घर में लोग रहना बंद कर देते हैं तो घर की हालत बहुत बेकार हो जाती है। यहाँ से ऐसा भी आता है छत से। चलें फिर हम नीचे चलो। अब दोस्तों खाना आना खाते हैं फिर निकलते हैं, थोड़ी देर बाद हमें रिटर्न भी जाना है, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो फाइनली हमारा लंच आ गया था, जिसमें मम्मी ने बनाए थे डुबके, और ये अम्मा लाई थी किसी के बाहर से सरात का भात, मतलब भात नहीं ये दाल। और जमाई जी को मिल गया था यहाँ पे खाना, खाओ चलो। जब तू भी लेके आना मम्मी,
जा। तो दोस्तों खाना खाते हैं, अब फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। नानी ने हमें पिठा इठा लगा दिया था और अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या दे रही हो? हल्दी रख रही है बाल्टी। दोस्तों यहाँ का ही रिवाज होता है कि जब कोई मतलब नाती पोती लड़की शादी करके घर आए तो उसको परात रात देते हैं, साड़ी देते हैं, पीतल की परात और साड़ी। अम्मा ने मेरे को पिठा लगाया है, हम तो इसको मना कर रहे हैं लेकिन अब यहाँ का रिवाज है तो लेके तो जाना ही पड़ेगा। चले फिर। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं थोड़ी देर बाद क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है यहाँ का। तो दोस्तों नानी ने मेरे लिए पिठा तैयार कर दिया था और हमें विदाई करने की तैयारी भी हो गई है। क्या है इसमें बता? साड़ी और परात। अच्छा रिवाज हुई यहाँ की, रिवाज है ये रिवाज। अच्छा कहना यार, हम बस घूमना लीजिए अरिन, चले चलो फिर। साढ़े तीन होने वाले हैं दगड़ियों और आप वापसी होती हुई घर की तरफ को, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्जी होती है, बहुत ज़्यादा तुरई कद्दू वगैरह, शायद लोग इसी चीज़ का यहाँ पे खेती करते हैं सब्जी वगैरह की। खेतों में जहाँ भी देख रहा हूँ मैं तुरई हो रही है बड़ी बड़ी, ये देखो भिंडी मिर्च, काफ़ी अच्छी खेती होती है यहाँ। फिलहाल सब्जी तो चोरने का प्लान था पर कुछ हो नहीं पाया है, अब चलते हैं घर की तरफ को। कहाँ गई रही हमारी स्कूटी? गाड़ी आ गई हमारी, पहुँच चुके हैं रोड पे। तो निकल पड़े हैं हम घर की ओर और नानी हमें नीचे तक छोड़ने आई है परात रात सर में रख के। तो यहाँ से भी अब जाने का समय आ गया है, चले। अरे तूने खाली दिया, ये रहन देती। हाय अम्मा, आ जाना हाँ जल्दी, काम पर जाए। बाय। क्या काम पर जाए? तो दोस्तों अभी शाम के टाइम गाड़ी मिलना मुश्किल है तो हमने मम्मी को भी अपने साथ बिठा लिया है क्योंकि अब दिक्कत हो रही है, यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती है शाम के टाइम। तो दरहट तक हम अपने साथ ले जाएंगे, वहाँ से फिर नई गाड़ी में बिठा देंगे मम्मी को भी। अब मिलते हैं आपको सीधे दरहट के मार्केट में। नानी के घर से निकलने के बाद सीधे घर आके मुलाकात हो रही है, पहुँच चुके हैं घर, चलते हैं। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, पहले हम उस रोड से आते थे ना, वो रोड बारिश की वजह से बंद हो चुकी है, आजकल ये वाला रास्ता है। धूप भी जाने वाली है, बादल आ रहे हैं शाम के समय। भोजन पानी साफ हो चुका है और घर पहुँच के ना उसके पास हो गए थे हम लोग, बहुत थक गए थे तो अभी उठा भी रात हो गई थी, फिर खाना वाना खाया, फिर खाना वाना खा के बस सोने की तैयारी है। फिलहाल अब इस वीडियो को रखते हैं, इतना ही मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सबसे जरूरी स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।